हेलो ऑफिसर्स, मैं श्री किशन स्वागत करता हूं आप सबका आरएसएल यूट्यूब चैनल पर। मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ में और आज का वीडियो अपना रहने वाला है सीडीएस इनटेक फर्स्ट 2023 का जो एग्जाम लगा था उसमें इंग्लिश के 120 क्वेश्चंस आए थे। उन 120 क्वेश्चंस में से टीम आरएसएल ने जो आपको मेहनत करवाई, टीम आरएसएल ने जो कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड कराया, टीम आरएसएल ने जो आपके क्लासेस ली अपने अभिमन्यु बेच में और अपने टारगेट बेच में, वहां से कितने क्वेश्चन आए, वहां से किस किस प्रकार के कॉन्सेप्ट हमने किए और एग्जाम में जो है वो किस प्रकार के कॉन्सेप्ट आए। सर, हमारी मेहनत हो सकता है कि बड़ी खामोशी भरी थी, लेकिन याद रखना सफलता ने फिर से आवाज मचाई है और इसके प्रूफ जो हैं वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। आइए सर, सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में यदि कुछ बच्चों को यह लगे कि सर मुझे भी टीम आरएसएल के साथ में मिलना है, जुड़ना है और मैं भी सर सीडीएस की तैयारी करना चाहता हूं, तो आपके लिए विजय बैच आ रहा है बच्चे, और विजय बैच अपना जो है वो सर 26th को आ रहा है और यह अपना सुबह 11 बजे आएगा। तो आपको लाइव रहना है आरएसएल यूट्यूब चैनल पर और 26th को 11 बजे हम जरूर मिलेंगे विजय बैच के अनाउंसमेंट में। यही नहीं, जो बच्चा ये सोच रहा है कि सर एसएसबी की तैयारी भी मुझे करनी है, चाहे वो एनडीए का बच्चा है चाहे सीडीएस का बच्चा है, तो बच्चे आपके लिए भी ये बैच जो है वो अनाउंस होगा, वो भी 26th को ही होगा 11 बजे। ठीक है, तो आप यहां पर तैयार रहेंगे और लीजिए जिस उद्देश्य के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है उसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ सर, सबसे पहले बात करूंगा सर अपना यहां पर एक ईडीएम आया है और ईडीएम आप देखिए सर NX2 ग्रिंड, ये क्लासरूम का स्क्रीनशॉट है। आपने यदि एक दो बच्चे यहां, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे नहीं पढ़े और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े हुए हैं, तो जो पढ़े हुए हैं उनको पता है कि यही कुलाड़ी वाला सीन आपको मैंने दिया था और यहीं से आपका ये उठ के आ गया सर। कौन सा? हैव NX2 ग्रिंड। क्लियर है? हां जी सर। अगला क्वेश्चन आप देखिए सर, हमने लाफिंग स्टॉक पढ़ा था, ये रहा सर आपका लाफिंग स्टॉक और यही आपके पेपर में भी छपा है सर, लाफिंग स्टॉक छपा है। हां जी सर, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए अ व्हाइट एलिफेंट अपना क्लासरूम का है। हां जी, वो व्हाइट वाला हाथी दिख रहा है, फोटो दिख रहा है? हां जी, जो बच्चे पढ़े हुए उनको सबको दिख रहा है। तो बच्चे यहीं पर आपका अ व्हाइट एलिफेंट एग्जाम में भी आया हुआ है। और आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते जाना। सर हमने हॉट पोटेटो पढ़ा, हॉट पोटेटो, ठीक है सर, यहां पर देख लो बेटा ये हॉट पोटेटो आपका आ चुका है। ठीक है, ये हॉट पोटेटो आपका यहां पर आ चुका है। क्लियर है? हां जी सर, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है, आराम से देखते जाना आप छोटी छोटी चीजों को। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को आप बड़ी आराम से देख सकते हैं और यहां पर सर हमने एप्पल्स और ऑरेंजेस जो क्लासरूम में किया वो का वो आ गया। ठीक है, जो इधर आपको फोटो दिखाया जा रहा है ये फोटो क्लासरूम का फोटो है, क्लास का पीडीएफ का फोटो है जो मैंने यहां पर एप्लीकेशन पर भी अपलोड करी थी उसी का फोटो है, वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और यहां पर सर पेपर का जो स्क्रीनशॉट है वो आएगा। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। यहां पर देखिए सर, हम बात कर रहे थे लेटली की और हमने क्या सीखा कि सर हेज कम यानी प्रेजेंट परफेक्ट में लेटली आता है। यहां पर भी देखो सर, हेव और सीन प्रेजेंट परफेक्ट में, ये आपका क्या है? लेटली है। क्लियर है? हां जी। और आगे चलते हैं सर, अगला सर हम यहां पर देखेंगे कि सर यहां पर द यानी यहां पर कोई नाउन आएगा, ये श्योर है, फिर आपका ऑफ द कार है, तो नाउन क्या बनेगा सर? कोई वर्ब है तो वो नाउन के रूप में कब बनेगी? जब उसका हम जीरंड बना देंगे। क्लियर? हां जी। तो यहां पर बच्चे देखते हैं कि हमने जीरंड को बड़े आसानी से देखा कि सर ये नाउन बना और ये वर्ब ले रहा है। फिशिंग देखिए बच्चे, यहां पर नाउन है जो लव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑफ के बाद में प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता है, राइटिंग आपका बना हुआ है। इज आपका यहां पर क्या है सर? व्हाट आई लव इज, जिससे मैं प्रेम करता हूं, मेकिंग फ्रेंड्स, वो क्या है सर? दोस्त बनाना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर स्विमिंग है, फिशिंग है, राइटिंग है, ये सारे के सारे नाउन के रूप में कार्य कर रहे हैं, हालांकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। सेम कंडीशन यहां भी होती कि हमें नाउन की जरूरत है लेकिन यहां सारी वर्ब्स लिखी है, लेकिन पता क्या है कि मेकिंग नाउन का काम कर सकती है, तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा जो हमने यहां सीखा है। चलो सर आगे चल के बात करते हैं कि सर यहां पर बड़े आसानी से देख सकते हैं कि कौन से गेस्ट की बात हो रही है। सर गेस्ट, कोई भी गेस्ट की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि सर कोई भी जो गेस्ट होता है वो किसी के घर पे ज्यादा रुकता है तो उसका अनवेलकम होता है, तो कोई भी गेस्ट का मतलब क्या है सर? ऑल गेस्ट की बात हो रही है। हां जी सर, हो रही है, यानी सभी गेस्ट की बात हो रही है। हां जी, यहां पर देखो समझो सर, यहां पर क्या है कि आर्टिकल ए एन द का यूज किया जाता है किसी कॉमन नाउन के साथ में यदि वो ऑल के सेंस में आता है, यानी कोई एक कॉमन नाउन आए और अपनी पूरी जाति की बात करे, सबकी बात यदि करे
तो उसके साथ में आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। अब गेस यहां पर क्या है बच्चे, एक है, सिंगुलर है, अच्छी बात है, कॉमन है, लेकिन यह सभी गेस की दुनिया में सभी गेस की बात कर रहा है, इसीलिए सर यहां पर क्या हो जाएगा, ए गेस्ट हो जाएगा। क्लियर? हां जी। तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन वैसा का वैसा उठ के आपके सामने आ गया। अगला देखिए बच्चे, यहां पर आप देख सकते हैं सर, यहां पर फ्रेंड के साथ में माई लगा हुआ है, बेनिफैक्टर के साथ में कोई आर्टिकल वगैरह डिटरमाइनर नहीं लगा, तो सर क्या है ये, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो नो एरर है। यहां पर देख लो, पोइट के साथ में लगा हुआ है, पेंटर के साथ में नहीं लगा हुआ, तो बच्चे ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो नो एरर है। क्लियर? डिट्टो कॉन्सेप्ट वो का वो आपका छपा हुआ है। आगे चलते हैं। अगला सर यहां पर देखिए कि आइदर ही और आई, तो और के बाद में आई आया, आई के अनुसार वर्ब आएगी एम, सर जी क्या है, नो एरर है। देखो सर, आइदर के बाद में यू है, और के बाद में आई है, आई के बाद में सर एम आएगा। क्लियर मामला? हां जी सर। तो बच्चे क्या हो जाएगा, नो एरर। बोलो कॉन्सेप्ट वो का वो। हां जी सर, वो का वो। और आगे चलिए, यहां पर देख लेते हैं बच्चे, यहां पर क्लियर कीजिए सर, ईच ऑफ आ गया, हां जी सर, इसके बाद में प्लूरल आ गया, हां जी सर, तो इसके बाद में क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ईच ऑफ प्लस प्लूरल प्लस वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। साफ साफ लिखाया है, ईच ऑफ है, हां जी, प्लूरल है, हां जी, वर्ब क्या है सर, सिंगुलर है। बोलो क्लियर मामला? हां जी। डिट्टो वो का वो कॉन्सेप्ट फिर से मिला। आगे और चलिए, यहां पर देखते हैं सर, एक सेंटेंस है, हां जी सर, एंड में क्या है सर, वर्ब है, विश टू विश, देखने की विश। अब किसको देखना ये नहीं पता, तो इस विश को क्या, सी को किसकी जरूरत है सर, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और भाई ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हुम होती है। क्लियर? हां, तीनों सेंटेंस को नोट करो और देखो सर, ये का ये लॉजिक, ये का ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? यहां पर लास्ट में लाइक आया, हां जी, हुम है, मतलब वर्ब को किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। टॉक्ड टू को किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है? डिड यू सी, तुमने देखा, क्या तुमने देखा, किसको, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ये पड़ा सर ऑब्जेक्ट है। यानी डिट्टो कॉन्सेप्ट वो के वो, तीन सेंटेंस मैंने यहां बताए, तीनों के तीनों का एक यहां पर आपका कॉन्सेप्ट आया हुआ। चलो जी सर, और आगे चलते हैं। यहां पर देखिए सर, यहां पर मैंने बताया आपको वन ऑफ लिखा हुआ है, हां जी, इससे पहले सब्जेक्ट और वर्ब है, हां जी है, तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया, वन ऑफ आ गया, उसके बाद में प्लूरल है, हां जी सर प्लूरल है, उसके बाद में आपका यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, हां जी, फिर आपका वर्ब कैसा, प्लूरल है। क्यों आया ये प्लूरल वर्ब, क्यों आया, क्योंकि जब कोई एंटीसीडेंट यानी यहां पर प्लेयर्स प्लूरल होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सेम कंडीशन देखो, यहां पर इट वॉज सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, हां जी, वन ऑफ आ गया, आ गया सर, बेस्ट स्पीशेज प्लूरल आ गया, हां जी सर आ गया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल आ गया, हां जी सर प्लूरल आ गया। अब वर्ब भी क्या होगा सर, प्लूरल होगा, तो हेज की जगह क्या हो जाएगा, हेव हो जाएगा। ये लो साहब बी ऑप्शन। डिट्टो जो मैंने पढ़ाया क्लास में, वो का वो कॉन्सेप्ट उठ के यहां छप गया, इतना भी इधर उधर नहीं। ठीक है? अब ये भाषा है, भाषा में राम की जगह श्याम हो सकता है, मोहन की जगह सोहन हो सकता है, गीता की जगह मीता नीता हो सकता है, कोई मोटा मैटर नहीं है। बस लॉजिक और कॉन्सेप्ट आप देखते जाइए कि सर वो की वो चीजें क्लियर है। अब यहां देख लो, यहां पर क्या है, साफ साफ लिखा है सर कि ऑर्डर्ड के साथ में फोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड अपने साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेता है। आई ऑर्डर्ड ए कोल्ड ड्रिंक, आई ऑर्डर्ड फोर ए कोल्ड ड्रिंक नहीं है। साफ साफ लिखा है यदि फोर होगा तो वो गलत होगा, लेकिन यहां इसने देखो क्या किया, ऑर्डर्ड फोर थ्री कप्स ऑफ कॉफी, तो बच्चे फोर नहीं होगा सर, ए ऑप्शन में गलती मिल गई। डिट्टो कॉन्सेप्ट फिर से मिला। चलो सर आगे चलते हैं, ऐसे छपते हैं साहब क्वेश्चन। पूछा है कि टू जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो टू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। कब होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ में होती है। ठीक है सर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। छप गया गुरुजी, छप गया, और छापो, छापते जाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में किसको क्लियर किया है, नन को क्लियर किया है, तो नन यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बोलो छपा, छप गया सर, और आगे छापो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं सर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दैट पढ़ाया सर, फिर से क्या पूछ लिया, दैट पूछ लिया, क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चले, छप गया सर। वैसे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इस प्रकार यदि किसी नाउन के साथ में दैट आता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं सर, डेमोंस्ट्रेटिव। क्या बोल देते हैं रे, बोलो फटाफट से, डेमोंस्ट्रेटिव। अब देखो लाइव क्लास लेते लेते मैं तो बच्चों को जैसे पढ़ाता हूं वैसे ही भाई वीडियो में भी हो रहा है। बोलो फटाफट से, एडजेक्टिव भी बोल देते हैं कभी कभी। इस एडजेक्टिव बोलने का क्या रीजन है, वो ये है कि सर किसी भी नाउन के जस्ट पहले जो वर्ड होता है और यदि वो उसको मॉडिफाई करता है तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो हमने इसको डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ा है।
ठीक है, खैर कोई बात नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट और दैट यहां पर क्लियर है, अपने पास यही ऑप्शन है, बी हो जाएगा, छप गया, ओके गुरुजी आगे चलो। यहां पर देखते हैं सर, हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर, यानी सर जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं, हमने ये अंतर स्पष्ट किया था सर। फिर हमने क्या पढ़ा कि सर जो नो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। चलो सर अब बात को समझने की कोशिश करना, क्या कि सर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में बच्चे क्या होता है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, डिटरमाइनर्स को हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, है ना, चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वैसे रहते। अब नो जैसा है वैसा ही रहेगा, नो जैसा है वैसा रहेगा, तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ही क्या है, डिटरमाइनर है, तो बच्चे नो क्या हो जाएगा सर, डिटरमाइनर हो जाएगा। बोलो छप गया, छप गया सर। देखो नो के बारे में साफ लिखा है कि नो एंड एनी आर एडजेक्टिव्स, कि नो और एनी एडजेक्टिव होता है, तो यहां पर आप कहेंगे एडजेक्टिव मिला ही नहीं, अरे तो भाई डिटरमाइनर तो एडजेक्टिव होता है ना, ये देख तेरे को पता पढ़ाया हुआ है, रिलेशन बनाना सीखना चाहिए। चलो गुरुजी मिल गया क्वेश्चन, आगे चलो। यहां पर देखो कंजक्शन में क्या पढ़ाया हुआ है, देयरफॉर पढ़ाया हुआ है, तो बच्चे देयरफॉर क्या हो जाएगा सर, कंजक्शन हो जाएगा। चलो आगे, चलो गुरुजी और आ जाओ। यहां पर पता है कि सर होम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। और विशेष बात क्या बताई कि सर जी कोई भी आपका जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है सर, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर देखो सर, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आ जाएगा सर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्लियर है, चलें, चलो छप गया, छप गया सर। और आ जाओ आगे, आगे चलते हैं बच्चे। यहां पर सर अनलेस के बाद में क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे जब अनलेस के बाद में सिंपल प्रेजेंट होता है तो पहले कौन सा होता है रे, पहले कौन सा होता है सर, फ्यूचर होता है। कहां लिखा है, यहां देखो, अनलेस के बाद में क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, इधर क्या है, फ्यूचर है। चलें, चलो सर समझना, क्या यहां पर सर जी आई एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन मैंने एक चीज आपको टेंस में और पढ़ाई थी कि बच्चे नियरेस्ट जो फ्यूचर होता है, टुमारो नियरेस्ट फ्यूचर है, हां जी सर, तो इसमें जो अपना फ्यूचर का एक्शन होता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लिख सकते हैं, समझ गए, हां जी। तो यहां इसने आपको कंफ्यूज कर दिया, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख के, वास्तव में तो क्या है, फ्यूचर के एक्शन की बात हो रही है, और फ्यूचर के एक्शन की जब बात हो रही होती है तो अनलेस यानी जो कंडीशनल होता है उसके बाद में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा, और प्रेजेंट सिंपल आपका कहां है, ए में है। लॉजिक वो का वो, बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया बैंड बजाने के लिए। चलो जी सर आगे चलते हैं। यहां हम किसकी बात करेंगे सर, यहां हम बात करेंगे करेंगे ये रहा सर, क्या है सर, सेम वेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा सर, द सेम वेट हो जाएगा। ये देखो द सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन, और उस सेम क्वेश्चन के बाद में क्या है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन, तो वेट के बाद में दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। और जब रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन की विशेषता बताता है तो वो क्या लेता है, आर्टिकल द लेता है, तो सेम से पहले क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन कराया हुआ है, हां जी। और हां, ये तो मैं एक स्क्रीनशॉट लाया हूं, ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन कराए हैं, मोटी बात तो वो है, ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन कराए हैं, मोटी बात वो है। चलो सर और चलते हैं। यहां पर देखिए सर, फ्राइडे मॉर्निंग की बात हो रही है, तो मॉर्निंग के साथ में हम क्या लगाते हैं सर, इन द मॉर्निंग लगाते हैं, लेकिन यहां पर देखो कि मंडे इवनिंग की जब बात हुई थी, यानी स्पेशल मॉर्निंग और इवनिंग की बात होती है, तो क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, तो यहां मैंने इवनिंग बताया, यहां पर मॉर्निंग आ गया, बात तो वही है ना, हां जी सर, तो क्या हो जाएगा, ऑन का यूज हो जाएगा, क्लियर है, ओके गुरु आगे चलो। अगला देखते हैं सर, यहां पर द टॉप है, ये पढ़ा आपका एट द टॉप, बोलो द टॉप के साथ में क्या आएगा सर, एट आएगा, तो लिख दो एट, कहां दिक्कत है, ये पढ़ा आपका एट आ जाएगा। ऐसे मिलते हैं सब स्क्रीनशॉट, आप क्वेश्चन को काउंट कर लेना एक बार, बच्चों क्वेश्चन को काउंट कर लेना। देखो रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बताया था, हां जी सर, तो रेस्पॉन्सिबल के पास में स्पाउस के डेब्ट की, किसकी बात हो रही है, स्पाउस के डेट की, यानी सर कर्ज की बात हो रही है, तो कर्ज आपका क्या हो गया सर, समथिंग हो गया, कर्ज आपका क्या हो गया बच्चे, समथिंग हो गया। अब जब समथिंग हो गया तो सर रेस्पॉन्सिबल के साथ में क्या आएगा, फोर आएगा, श्री किशन सर ने भी यहां पर पढ़ा रखा है। चले आगे, चलो गुरुजी आगे आ जाओ बच्चे। आगे चल के फिर बात करते हैं कि सर कोई भी जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन जब होता है तो उसको पर्टिकुलर बनाते हैं, तो आर्टिकल द लगा देते हैं, ठीक है। सुगर भी आपका क्या है सर, मटेरियल नाउन है, सुगर भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। ये पर्टिकुलर है क्या, हां है, कोई कह रहा है कि जो टेबल पे खाना खा रहे हैं, मान लो तो टेबल पे खाना खाते किसी ने कहा कि यार वो जो चीनी पड़ी है ना थोड़ी वो दे दे, मतलब यहां पर किसी पर्टिकुलर सुगर की बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। लॉजिक आपके सामने है, हां जी। देखो सर, टेक्स आर्टिकल द इन पर्टिकुलर सेंस, कि पर्टिकुलर सेंस में आर्टिकल द लगाया जाता है, किसके साथ, ये स्लाइड आपकी आई है बच्चे। देखो मैं एक्सेप्शनल केस पढ़ा रहा था आपको मटेरियल नाउन के, उसमें से लाया हूं, ठीक है,
चलो जी सर, चले आगे। चलो गुरुजी आगे चलते हैं। यहां पर क्या है सर, प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, तो कोई भी नाउन को पर्टिकुलर करते हैं। यहां पर पर्टिकुलर हो गया, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की बात हो रही है, तो आर्टिकल क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। यह आपका कॉन्सेप्ट पड़ा कि सर कॉमन नाउन के साथ में हम द लगाते हैं, जब उसको पर्टिकुलर स्पेशल या डिफरेंट करते हैं तो उसके साथ में क्या लगेगा, द लगेगा। बन गया कॉन्सेप्ट, ओके सर। यहां पर देख लेते हैं सर, यहां पर देखो, यहां पर इफ कंडीशन दी हुई है। हां जी सर, तो इफ कंडीशन के साथ में एक टेंस आएगा, हां गुरुजी पक्का आएगा। तो इधर वाले में मेन क्लोज में क्या है सर, मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। तो भाई इधर देखो, मेन क्लोज में जब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है तो बच्चे इधर इफ कंडीशन में क्या होती है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। लिखा हुआ है, हां सर लिखा हुआ है। तो इनमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां है सर, ये पढ़ी, तो डी ऑप्शन को क्लिक करो। यानी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चन कराया हुआ है, प्रैक्टिस जो हमने करी है, वहीं से क्वेश्चन उठ के आपका आ गया। चलो गुरुजी आगे चलते हैं। इसमें क्या है सर, अब की बार देखो, इफ के साथ में सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है सर। तो अब क्या कर दो, अब सर देखिए कि सर जब भी अपने पास में पास्ट सिंपल होता है, अब हो सकता है कि वो वेन के साथ में हो सकता है वो इफ के साथ में हो, ये तो मैं एग्जांपल यहां से उठा के लाया हूं, बल्कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए थे, पढ़े हैं उन बच्चों को, तो ये पता है। तो इस पास्ट सिंपल के बाद में इधर कुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्लियर, ओके सर। अब यहां पर हमारा कुड सही होगा, रीजन क्या है कि सर शुड और ought to तो एक ही मतलब देते हैं, ठीक है, और यहां पर कुड से ही इसका सही सेंस निकलता है, इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग, कि बारिश बंद हो जाती, वी कुड गो आउट, हम बाहर जा सकते थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो का वो क्वेश्चन, वो का वो लॉजिक आपका फिर से क्वेश्चन में मिल गया सर। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, पहले बच्चे यहां पर क्या पूछा गया, देखिए जूलिया गोट मैरिड, तो पास सिंपल है, हां जी सर, शादी हो गई, कब हो गई, तो पास सिंपल, और पास सिंपल को किससे जोड़ेंगे, वेन से जोड़ेंगे, वेन सी वॉज 22, तो यहां पर देख लो सर, वेन से जुड़ा हुआ मिल जाएगा कोई ना कोई, तो आपको यह पढ़ा, ये पढ़ा, वेन के साथ में ये रहा पास्ट सिंपल, ये रहा पास्ट सिंपल, है ना। सुमन डिड दैट वर्क वेन सी वॉज यंग, कि जब वो जवान थी उसने काम किया, जब वो 22 की थी तो उसकी शादी हो गई, बात वो की वही है, यानी सर वेन से जुड़ जाएगा, क्लियर आ गया मामला। हां जी सर, फिर से मिला सर, आगे चलो, आगे क्या चलना है सर, विजय बैच आपका आ रहा है, इतने क्वेश्चन मैंने दिए हैं, और भी अभी क्वेश्चन और बाकी है, रुको, ये तो बीच में मैं विजय बेस के बारे में बता रहा हूं, कि यदि आपको लग रहा है कि सीडीएस के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म यहां पर है, जहां से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो विजय बेस जो है उसके अनाउंसमेंट में एक बार आ जाना, फिर एक बार मुलाकात करेंगे, ठीक है। और यहीं पर बच्चे आपका एसएसबी का बेच भी लॉन्च होगा, तो वहां पर भी एक बार आपको आना है, मुलाकात करेंगे। चलो आगे चलते हैं सर, यहां पर देखिए हम क्या पढ़ रहे थे सर, वोट टाइम के आगे कौन सा यूज करें, इसमें केवल एक ही जो आपका प्रीपोजिशन है सर, उसी का डिफरेंस है, बाकी सेम है। तो सर टू को हमने पढ़ा था कि टू जो है वो डेस्टिनेशन के लिए, अब यहां पर जो ट्रेन है वो अपने डेस्टिनेशन पर जाएगी, लंदन जाएगी, हां जी सर, तो टू का यूज हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सर, डेस्टिनेशन पर के लिए क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। लॉजिक वो का वो है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो बच्चे का डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल है, तो टू का यूज हो रहा है, हां जी, डेस्टिनेशन के लिए टू लगाते हैं, बात क्लियर, ओके सर। यहां पर देखो मेनी एक्सीडेंट्स, कि बहुत सारे एक्सीडेंट, सेंटेंस का सेंस कह रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, कैसे पता चला कि सर केयरलेस ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, जनरल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल में है, और प्रेजेंट सिंपल का पैसिव कैसे बनाते हैं सर, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव ऐसे बनाते हैं, साफ साफ बताया हुआ है, क्लियर। और सर इजआरएम प्लस थर्ड फॉर्म होगा, तो इजआरएम प्लस थर्ड फॉर्म यहां पर है, यानी सर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाओ सर, फिर से आपको कॉन्सेप्ट मिला है, यहां चलते हैं सर, बात करेंगे कि ये क्या कह रहा है, स्टीव हैज गॉन अवे, कि स्टीव जो है वो बाहर जा चुका है, ही विल बी अवे मंडे, वो मंडे तक बाहर रहेगा, तो तक के सेंस में किसका यूज करते हैं सर, अंटिल का यूज करते हैं, ये पढ़ा साहब, अंटिल का यूज करेंगे किसके सेंस में, तक के सेंस में, क्लियर है। चलो सर आ जाओ आगे, एक एक स्क्रीनशॉट को मिलाते जाना। यहां पर है कि सम जो है उसका यूज किसके साथ में सर, प्लूरल के साथ में और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में किया जाता है, ठीक है। यहां पर आपका चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के साथ में क्या हो जाएगा सर, सम हो जाएगा, प्लूरल है सर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, चले चलो सर। अब एक का यूज सिंगुलर के साथ में होता है, मच का अनकाउंटेबल के साथ में, और एनी का किसके साथ में होता है बच्चे, एनी का सर जी होता है नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पर, नहीं तो इंट्रोगेटिव है और नहीं आपका नेगेटिव है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवाई थी। चलो सर आगे चलते हैं, आगे चल के हम बात करेंगे सर, यहां पर कौन सा टेंस होगा, देवर, तो देवर इन्फॉर्म्ड आपका क्या है सर, पास्ट सिंपल है, ठीक है सर। तो भाई पास्ट सिंपल में क्या क्या होता है सर, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, वॉज वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है, और हेड भी होता है मेन वर्ब के रूप में पास्ट सिंपल में, अच्छा, और वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म है तो पैसिव हो जाएगा,
ओके सर। अब इसमें पास्ट सिंपल देखो, देखिए कहां पर है, हेड थ्री पार्ट्स हो जाएगा, वॉज थ्री पार्ट्स नहीं होगा क्योंकि पजेशन के लिए नहीं आता, मैंने हेड का पजेशन बताया था याद रखना आपको, ठीक है। हैव आपका प्रेजेंट में होता है, हेड के साथ में हेड नहीं होता है, इसलिए यह भी गलत। केवल और केवल पास्ट सिंपल में हेड जो है वो मेन वर्ब के रूप में पजेशन बताने के लिए यूज होती है, यह चीज अपने डिस्कस हुई थी और वहीं से आपका क्वेश्चन आपको मिल गया। आगे चलते हैं सर, आगे चल के हम बात करेंगे सर सुपरलेटिव डिग्री जो है वो द के साथ में बनती है, अच्छी बात है। द के साथ सुपरलेटिव नहीं है, द के साथ सुपरलेटिव नहीं है, द के साथ सुपरलेटिव है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमने क्लासेस में करे थे और जिनके बारे में बच्चे सोचते थे यार ये भी कोई लॉजिक है, ये तो एलकेजी के पढ़ने वाला है, ये तो यूकेजी के पढ़ने वाला है, लेकिन वो यूकेजी एलकेजी के नहीं थे, वो कॉन्सेप्ट बेसिक थे जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो इसमें देख लो क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है सर, एन ओल्ड हाउस, देखो एक चीज अपनी क्लियर हुई थी कि सर यदि एन और ए के साथ में कोई नाउन होता है तो इससे पहले हम किसका यूज नहीं करेंगे, फेयरली का यूज नहीं करेंगे, बल्कि जब भी आपका फेयरली और इधर आएगा तो नाउन बाद में और आर्टिकल पहले आएगा। और यहां हमने क्या डिस्कस किया कि सर यदि क्वाइट होता है तो आपका ए और एन और उसके बाद में क्या आ जाता है, नाउन आ सकता है। तो बच्चे यहां पर ए और एन प्लस नाउन है तो क्या हो जाएगा सर, क्वाइट एन ओल्ड हाउस हो जाएगा। चलो जी सर आगे चलते हैं, यहां पर देखिए बेटा मर्क्यूरियल अपना क्या है, वर्ड हमने पढ़ा था, और मर्क्यूरियल जो है वो वर्ड हमने पढ़ा, इसी का क्या पूछ लिया गया सर, यहां पर आपका वर्ड पूछ लिया गया फिर से, ठीक है। ओके सर आगे आ जाओ, अगला वर्ड हमने क्या कहा था सर, सार्डोनिक वर्ड पढ़ा था कि ये क्या होता है सर, मॉकिंग होता है, तो सार्डोनिक आपका क्या होता है सर, मॉकिंग होता है, फिर से क्वेश्चन वहीं से पूछा गया। और आगे चलो सर, यहां पर हमने देखे सर परपेचुअल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परपेचुअल, बस इसको थोड़ा सा चेंज करके उसने क्या कर दिया, परपेचुएट कर दिया, लेकिन परपेचुएट और परपेचुएट बोलो चाहे परपेचुअल बोलो सर क्या है, दोनों वर्ड्स में हल्का सा आपका डिफरेंस है। परपेचुअल आपका क्या है सर, लगातार है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव के रूप में, और परपेचुएट जो है वो क्या है सर, आपका नाउन है, तो एडजेक्टिव नाउन का फर्क है, वर्ड वो का वो है। चलो सर आगे चलो, आगे हम बात करेंगे सर फ्रूगल, ये पढ़ा सर आपका फ्रूगल आपके सामने है, क्लियर है। ओके सर, और आगे चलेंगे सर हॉस्पिटलिटी, तो बच्चे हॉस्पिटलिटी वर्ड हमने पढ़ा था जो कि नाउन है, यहां पर इसको हॉस्पिटेबल दे दिया, और हॉस्पिटेबल आपका सर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, बस नाउन एडजेक्टिव का फर्क है, वर्ड वो का वो। और आगे चलो बच्चे, वहीं से बात करेंगे प्यारे बच्चे कि सर हैप्पीनेस क्या है, सर हैप्पीनेस आपका स्टेट वाली बताने वाली नाउन है, तो नाउन आ गया सर, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलो सर और आगे चलेंगे, सर यहां पर आपका एडवर्ब सर्विंग टाइम है, तो नो आपका टाइम का एडवर्ब होता है सर, नो आपका क्या होता है बच्चे, टाइम का एडवर्ब होता है। चलो जी सर आगे, एक एक वर्ड को देखते जाना, थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से भी कर रहा हूं। चलो सर, ओइंग टू आपका क्या होता है सर, प्रीपोजिशन होता है, कारण वाले प्रीपोजिशन में हमने क्या देखा सर, ओइंग टू को देखा। और आगे आ जाओ बच्चे, यहां पर देखिए कि सर यहां पर जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे तो हमने देखा सर विच बॉय में आपका विच क्या है सर, एडजेक्टिव है, तो भाई विच वे में आपका विच क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर है। चलो जी सर और आगे आ जाओ, यहां पर देखिए सर, यहां पर हम कह सकते हैं कि सर दैट आई हैड एवर हर्ड, कि जो मैंने कभी सुना है, तो यहां पर देखो आई हैव एवर कम अक्रॉस, यानी जिन चीजों से अभी तक मैं मिला हूं, तो इन चीजों में से कोई एक चीज की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ा था, हां जी सर, इन सारी चीजों में से एक चीज की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव हो जाएगी, तो ये भी सुपरलेटिव नहीं है, ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा सर, ए ऑप्शन आपका सुपरलेटिव है बच्चे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और था कि यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव होता है, इसलिए इसके साथ में द मोस्ट नहीं लगाएंगे, यहां पर इलोक्वेंट अपने आप में सुपरलेटिव नहीं होता इसलिए द मोस्ट लगाएंगे, यह भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन होगा सुपरलेटिव, यह बात मजे की थी। चलो जी सर अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सर वन का जो परिवार है वो क्या बनेगा, वन सेल्फ, यानी वन से ही बनेगा, वन का जो परिवार है वो किससे बनेगा सर, वन से ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए सर यहां पर वन का परिवार किससे बना हुआ है, वन से ही बना हुआ है सर, नो एरर है आपका, एकदम करेक्ट, यानी वो की वो चीजें आपको यहां पर मिल रही है बच्चे। यहां पर देखिए प्ले विद द गैलरी, वैसे ये थोड़ा सा मिस्टेक में था, इसको हमें क्या लिखना चाहिए सर, प्ले टू द गैलरी होता है, प्ले टू द गैलरी होता है, खैर कोई बात नहीं, हमने जो वर्ड को देखा, हमने जो चीज को उठाया वहां से आपको चीज मिली सर, यहां पर देखिए प्ले टू द गैलरी आपका हो गया, ठीक है। और आगे देखिए, यहां पर सर आपका बेनेवोलेंट था, बेनेवोलेंट का सर मेलेवोलेंट हमने पढ़ा और यहीं पे चर्चा करी कि मेलिशियस भी होता है, अच्छा, तो यहां पर आपका मेलिशियस आ गया और यह क्या होता है सर, बेनेवोलेंट होता है, क्लियर है, हां जी। और आगे आ जाओ बच्चे, यहां पर हमने एसेंशियल को देखा सर जी, एसेंशियल क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है सर, यहां पर ऑब्लिगेटरी था, एसेंशियल होता है, ठीक सर, मिल गया, ओके गुरुजी। और चलो सर, यहां पर आपका बट आया, बट का काम क्या होता है सर, विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट पैदा करना, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है, ठीक है। और यहां पर भी बच्चे बट आपका आएगा, क्यों, क्योंकि सर ये दोनों सेंटेंसेस जब आप पूरे पेपर को एक साथ देखोगे तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट के लिए बट आएगा,
ठीक है। चलो जी गुरुजी और आगे चलो बच्चे, यहां पर हम देखेंगे सर बोध के साथ में जोड़ी किसकी होती है, सर एंड की होती है। बोध के साथ में जोड़ी किसकी होती है, एंड की होती है। तो बच्चे जब हम इसको देखेंगे तो यहां पर बच्चे आपका एंड तो है, दोनों तरफ दो चीजें अलग अलग, तो यहीं पर क्या हो जाएगा सर, बोथ एंड हो जाएगा। क्लियर, ओके सर, बोथ एंड की जोड़ी आ गई। यहां पर देखते हैं सर क्या कि प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब ये जो पैराग्राफ था यदि हम इसको देखते तो हमें लगता कि ये पूरा का पूरा, और लगता क्या, पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट सिंपल में था, और प्रेजेंट सिंपल में जब हमारे पास में बच्चे प्रेजेंट सिंपल में जब हमारे पास में वी प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो अब हमारे पास वर्ब क्या हो जाएगी सर, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर हो जाता। यहां से आपका लॉजिक उठ के आया प्रेजेंट सिंपल का। और देखिए सर यहां पर हम देखते हैं कि सर यहां पर इंपॉसिबल आपका क्या है सर जी, एडजेक्टिव है। क्या है बच्चे, एडजेक्टिव। यहां पर भी आपका इजी क्या है सर, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो देखो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड विथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो एडजेक्टिव के बाद में क्या हो जाएगा सर, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, हां जी। यानी जो लॉजिक हमने पढ़ा था वहीं से आपका ये पता है, ये पैराग्राफ कहां से आ रहे हैं, ये पूरे वो हैं आपके जिनको आप क्लोज टेस्ट बोलते हैं। तो क्लोज टेस्ट में भी चीजें अपनी देखो एक बार के लिए कि क्लोज टेस्ट में भी वो चीजें आई है जो हमने क्लास में डिस्कस करी है, वहीं से निकलती है, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है। चलो सर आगे चलते हैं। यहां पर आपका वेदर था, हाँ जी सर, तो वेदर के साथ में जोड़ी क्या बन जाएगी सर, और। यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ये साहब वेदर और की जोड़ी आपके सामने है। क्लियर, चलो गुरुजी और आगे आ जाओ। यहां पर हम देखेंगे बच्चे किसकी बात हो रही है कि सर सोहन इज स्टडिंग ब्लैंक द यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी से पहले द लगा है तो क्या हो जाएगा सर, इन द स्कूल, इन द यूनिवर्सिटी सर, इन द हो जाएगा। क्लियर है, ओके सर। हाँ एक चीज जरूर है सर, वैसे किसी यूनिवर्सिटी पर कोई व्यक्ति होता है तो द यूनिवर्स एट यूनिवर्सिटी भी होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन में द नहीं लगेगा, एट यूनिवर्सिटी होगा कि मैं अभी यूनिवर्सिटी हूं तो एट यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है ऐसा कुछ है, मे का सेंस देना है तो इन द यूनिवर्सिटी होगा, उसके बाद में द लगेगा, ठीक है। चलो गुरु जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। चलो जी सर आगे चलते हैं। यहां पर हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कॉफी, कट डाउन ऑन कॉफी का क्या मतलब है, मैं कॉफी को कम करना चाहता हूं, तो ये पढ़ा सर जी आपका कट डाउन, कट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा सर, किसी चीज को कम करना होता है। चलें, चलो सर आगे आ जाते हैं। यहां पर क्या है सर, ही पेड हिज डेट टू द लास्ट पेनी, यहां पर क्या हो जाएगा सर, ओवर का यूज हो जाएगा। ये देखो सर, रामेश्वर पेड हिज डेट ओवर टू द लास्ट पेनी, क्लियर है। तो ये आपका ओवर का यूज यहां पर ऐसा का ऐसा रखा हुआ। और चलो बच्चे आगे, अब सर जी हम बात करेंगे अपने विजय बेच की। तो भाई ये थे अपने सारे के सारे क्वेश्चन, और अब हम बात करेंगे विजय बेच की कि विजय बेच जो है वो आपका फिर आ रहा है, और ये बेच आपका आ रहा है सर 26 को, कब, सुबह 11 बजे। तो 26 को 11 बजे आपको क्या करना है सर, तैयार रहना है। और तैयार क्यों रहना है, क्योंकि सर विजय बेच जो है वो इस बार तैयारी करवाएगा आपको एनडीए की, तैयारी करवाएगा सीडीएस की, तैयारी करवाएगा आपको एफकेट की, तैयारी करवाएगा फाउंडेशन की। तो हर शेर शेरणी तैयार रहेगा सर इस बेच के लिए। और हां जी यहीं पर आपको मिलेगा सर एसएसबी का बेच भी, इसके लिए भी सारे के सारे लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। तैयार रहेंगे सर सुबह 11 बजे 26 अप्रैल को, ठीक है। तो ये थे अपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि सर पेपर में आए थे। अब कैसे आए, क्या आए, इसका पूरा रिजल्ट और नतीजा निकालने का काम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत, चलते हैं, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलेंगे सर विजय बेस के अनाउंसमेंट में 26 को, बाय बाय, लव यू बेटा।